हेलो एवरीवन। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे सारे लेवल्स मैंने रेडी करके रखे हुए हैं और मार्केट तो अभी जस्ट ओपन हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। और अभी हमारे पास कोई पोजीशन कोई ऑर्डर नहीं है। 1,03,000 रुपये हैं हमारे पास जिस पर मैं ट्रेड करूँगा। मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं आज फिन निफ्टी में ट्रेड कर लूँ, बिकॉज फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी है। बाकी का अभी हम वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जैसा भी होगा मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो यार मार्केट थोड़ा सा फास्ट डाउन का मूवमेंट दे चुका है। मैं एंट्री करता हूं पहले। ये देखो, ये हमने किया एंट्री। यहां पर देख सकते हो आप, मेरे को नुकसान दिखा रहा है तुरंत। अरे यार बाय मिस्टेक मेरे से पुट सेल हो गया। वो ये ब्लेंडर मिस्टेक कहां से मैं कर दे रहा हूं। जल्दबाजी को पा करके यार मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। डाउन का व्यू था मेरा, तो मुझे कॉल बेचना था ना कि पुट। मैंने बहुत ही मेजर मिस्टेक कर दी सेट, इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस थोड़ा सा ट्रेड पेशेंस के साथ किया करो। मैंने सडनली देखा कि मार्केट में हमारी एंट्री बन गई है एंड मार्केट यार ओ माय गॉड मिस होगी भाई, मिस होगी। आज पूरा मिस हो गया, पूरा का पूरा ट्रेड मिस हो गया, पूरा मिस हो गया। यहाँ से देखो न्यूट्रल लेवल से बहुत ही बढ़िया आज मेरे को जैकपॉट मिलने वाला था। अभी तक मैं एंट्री करता ना तो मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलता। मेरे को कॉल बेचना था बट मैं बाय मिस्टेक थोड़ा सा जल्दबाजी चक्कर में मैंने पुट बेच दिया, इससे मेरे को नुकसान भी हो गया। अगर मैं यहाँ पर कॉल बेचा होता तब ये समझो कि मेरे को 2,500 का तो प्रॉफिट बहुत ही आराम से हो गया होता अब तक। सेट चुका है, ठीक है। तो आज मेरी मिस्टेक की वजह से, और देख सकते हो मार्केट किस स्पीड से गिर रहा है भाई, किस स्पीड से गिर रहा है, क्या बोलूं मैं इसके ऊपर। यहाँ से देख सकते हो कि न्यूट्रल लेवल से मार्केट गिरा हुआ है रेड लेवल से। तो आपको मैंने पहले बता रखा है कि जब भी रेड बनता है ना तब क्या होता है, मेरा सेलिंग का ट्रेड बनता है। और देख सकते हो मार्केट कितना धड़ल्ले से गिर रहा है भाई, क्या मैं बोलूँ आपसे। बहुत ही मेरे से ब्लंडर मिस्टेक होगी, कॉल की जगह मैंने पुट ले लिया। कोई बात नहीं, आपको भी बताना कभी आपको साथ ऐसा हुआ क्या। और मुझे मौका ट्रेड देने का देखो मौका नहीं मिला। रीज़न क्या था, क्योंकि देख सकते हो मार्केट बहुत ही फास्ट गिरा है। लेकिन हाँ उस समय जहाँ पर हमने पुट बेचा था, पुट देखो हमने 9:55 में एंट्री बनाई थी, ठीक है। 9:55 में जानते हो मार्केट कहाँ था, 9:55 में तो मार्केट एकदम स्टार्टिंग इधर के आसपास ही था। 424 से मार्केट आ गया 327 का लो लगाया, लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट सिंगल कैंडल में मेरे से मिस हो गया। रीज़न क्या था, क्योंकि मार्केट ने ट्रेड लेने का मौका नहीं दिया। मार्केट बहुत ही फास्ट हमारे फेवर में चला गया बट मैं उस पर ट्रेड नहीं कर पाया। ये मेरे से आज मिस्टेक हो गई, कॉल की जगह मैंने पुट बेच दिया, बहुत ही ब्लेंडर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये लॉसेस प्रॉफिट तो होते रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन है, तो थोड़ा बहुत इरर हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा ट्रेड ध्यान से किया करो। मैं थोड़ा सा कहीं गया हुआ था और अचानक से मैंने देखा कि एंट्री बनी हुई है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कॉल की जगह पुट को ले लिया। कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब चीज़ें। देखो रीज़न ये था कि हमारी जो व्यू थी वो था यहाँ से डाउन का। डाउन में मार्केट ने मूवमेंट दिया बहुत अच्छा। अगर मैं कॉल बेचा होता 9:55 पर तो मुझे बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट होता। अगर मैं मान लो, मैं सपोज दे थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता, मैं अगर 21,400 वाले को कॉल को बेचता 100%, क्यों, क्योंकि मार्केट इस समय कहाँ था, मार्केट इस समय 450 का बेचता, इसको मैं बेचता ATM था क्योंकि उस समय। तो इसमें अगर मैं चार्ट लगा दूँ, चार्ट में दिखा देता हूँ मैं 9:55, ये देख सकते हो लगभग 30 रुपये से 9 रुपये 20 पॉइंट का मुझे नुकसान हो गया। मतलब 20 पॉइंट अगर एक लॉट में मिलता तो 40 का लॉट था, 800 × 3 तीन लॉट में मैं करता तो लगभग मेरे को 2400-2500 का प्रॉफिट अभी तक हो गया होता तीन ही लॉट में, बहुत ही फास्ट 4-5 मिनट के अंदर पे। लेकिन रीज़न क्या था, मेरे से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, और देखो मुझे दोबारा एंट्री करने का ना मौका नहीं मिला। मैंने सोचा कि पुट वाले को जीत करके तुरंत मैं कॉल भेज दूँ, लेकिन मार्केट में ये जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आया था ना, इससे मेरा क्या था, इससे मेरा रिस्क बड़ा हो जाता। देखो आज का दिन ना बहुत बढ़िया है,
एक तरफ से मैं अपनी गलती से नुकसान ले लिया, कोई बात नहीं, सेकंड ट्रेड लिया URL लेवल से, क्योंकि यहाँ से मेरा व्यू था अपसेट जाने का। अब देखो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको हमेशा ट्रैप में नहीं फंसना है। यहाँ से बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो गया, मार्केट गिर गई, इतने बड़े रेड कैंडल बन गई, किसी के अंदर वो पोटेंशियल नहीं होगा कि यहाँ से वो पुट बेचें या फिर ऊपर का ट्रेड लें। लेकिन देखो अगर आपकी एनालिसिस में जान है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल में अगर आपको सही जगह पर आप एंट्री कर रहे हो ना, तो ऐसा ही होगा। जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। अगर मैं आपको बड़ा टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊँ थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो कि मार्केट में किस हद से ट्रैपिंग होती है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो एक बिग साइज़ पर मैं ना आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, ट्रेंड लाइन टूट गई, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको निगेटिव में दिखाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट हो सकता है नीचे जाए, मार्केट हो सकता है कि यहाँ से पहले ऊपर से रैली दे फिर नीचे की तरफ चला जाए, ठीक है, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। बस आपको एक सही ठीक जगह पर एंट्री करने आना चाहिए, ठीक है, और वही एंट्री मैं करता हूँ। अभी तो मुझे ये ट्रेड ये करने को नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। रीज़न क्या था, क्योंकि देखो हमको एक ट्रेड में ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये हमने इसलिए ले रखा है क्योंकि मैंने अपनी गलती से भाई, मिस्टेक से भाई, हमने ट्रेड लिया, गलत ट्रेड ले लिया। गलत ट्रेड मतलब व्यू सही था बट कॉल करके पुट ले लिया, तो उसमें मेरे को नुकसान हो गया। बट एक तो मौका मुझे और मिल रहा था, तो हमने फिर दोबारा एंट्री कर ली ताकि मेरा नुकसान रिकवर हो जाए, और मार्केट ने वैसा किया भी, मेरा नुकसान सारा का सारा रिकवर कर दिया। अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट देखो ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अदरवाइज देखो मैं क्या करूँगा, मार्केट में मैं ज़्यादा इस वाले ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहूँगा। रीज़न इसकी वजह का ये है क्योंकि देखो अभी मेरे को प्रॉफिट चल रहा है, 600-700 का प्रॉफिट चल रहा है, आप देख सकते हो मेरा लॉस भी रिकवर होगा, जितना का मेरे को लॉस हुआ था उतना कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी चल रहा है। तो मैं यही कोशिश करूँगा क्योंकि मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा ना, तो मैं कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट का निकल लूँ, कहीं कोई नुकसान ना लूँ। तो फाइनली देख सकते हो यहाँ पर चल रहा है अभी 1200-1300 का रनिंग प्रॉफिट, ठीक है, क्यों देखो 1300 का मत बोलो, इसको बोलो 2300 रुपये का, देख सकते हो। लेकिन जो 700 का नुकसान था ना, उसको भी रिकवर करने के बाद 1400-1500 रुपये का दिखा रहा था। तो आज कहीं ना कहीं डबल धमाका मिल रहा है, ऊपर से ही मिल रहा है, नीचे से मिल रहा है। आज यहाँ पर सर्विस मार्केट है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट क्यों रहा पता है आपको, क्योंकि आज है इसकी एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा। थोड़ा देर और मैं देख रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको पोजीशन को काट करके निकल जाऊँगा। तो अब मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप देख सकता हूँ कि मैं शिफ्ट कर लेता हूँ इसके नीचे, अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा ना तो मैं कहीं ना कहीं पोजीशन काट करके निकल जाऊंगा। आज देखो एक्सपायरी थी, इसी वजह से हमने दूसरा ट्रेड लेने का ट्राई किया, और अदरवाइज मैं फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया ना मेरी मिस्टेक से, तो मैं छोड़ ही देता बल्कि नहीं करता। लेकिन आज एक्सपायरी थी एंड मुझे सेटअप के अकॉर्डिंग मिल रहा था, तो मैंने ले लिया कि चलो यार कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और हुआ भी ऐसा, देख सकते हो कि हमने अब बहुत सारे बोलते हैं टॉप बॉटम, देखो यहाँ पर टॉप पेंटी बनी थी नीचे आया, बॉटम बनी बॉटम से ऊपर जा रहा है, ठीक है, दोनों को दोनों हमने आपके सामने कैच करके दिखाए। अभी देख सकते हो तो लोग प्रॉफिट चल रहा है, अभी वेट करें थोड़ा बहुत, देखते हैं क्या होता है। अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं पोजीशन काट दूंगा, इसके ऊपर जब तक है तब तक मैं होल्ड करूंगा। तो 1700-1800 का रनिंग में चल रहा है मेरे को, ठीक है, और अभी फिर निफ्टी इसके ऊपर ही चल रहा है, तो अभी वेट करें। रीजन क्या है, क्योंकि अभी देखो अभी भी 21 रुपये का प्रीमियम बचा हुआ है, तो इतना जितना चल रहा है ना उतना मुझे और प्रॉफिट हो सकता है, उसी के लिए हमें वेट करें, देखते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा तो क्या करूँगा, इसके नीचे जब जाएगा तो मैं पोजीशन काट के निकल जाऊँगा, अदरवाइज जब तक इसके ऊपर तब तक मैं होल्ड करूँगा। क्योंकि जो हमने देखो बेच रखा है वो 31350 का है, और मार्केट चल रहा है 31360, जहाँ पर अगर यहीं पर भी एक्सपायर हो जाएगा ना तो भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा डीके की वजह से। अभी तो वेट करना बनता है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट पिन निफ्टी किस हद तक साइडवेज हो चुका है, ठीक है, समय बज रहे हैं 2:30 बज चुके हैं, लेकिन हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करके रखा है, जिसमें आप देख सकते हो कि मेरे को टोटल 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें देखो मेरे को बता दूँ 1500 का नहीं, इसमें जो हमने दोबारा एंट्री करी थी पुट में उसमें 2300 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन जो लॉसेस था लॉसेस को एडजस्ट करने के बाद 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों के साथ रिफ्रेश करूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा इजी हो जाए। यहाँ पर देख सकते हो 1500 रुपये का समथिंग का हमने टोटल प्रॉफिट बुक किया। अब आइए मैं मार्केट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मार्केट हमारे एज पर रूल इधर के आसपास स्टॉप के आसपास एंट्री बन गई थी, ठीक है, और जो मैं MT2 पॉइंट में ऑलरेडी सिखा रखा हूँ यहाँ पर एंट्री बनी थी, मेरे को कॉल बेचना था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि मैं हमेशा रेड जोन जब भी बनता है मेरा तो कहने के मेरा जो व्यू होता है पर्सन वो डाउन कराता है, बट बाय मिस्टेकली मेरे को ऑप्शन में कॉल की जगह पर मैंने पुट बेच दिया। कोई बात नहीं, जब मार्केट गिरने लगा देन हमने उसको एग्जिट किया, और एग्जिट करने के बाद मैंने वेट किया थोड़ा सा कि अगर मार्केट में कुछ बेटर जगह पर एंट्री मिलती है तो मैं फिर से कॉल भेज दूंगा, बट हुआ नहीं। मार्केट में सडनली देख सकते हो कि एक ही कैंडल में कितना बड़ा डाउनफॉल आ चुका, देन उसके बाद देख सकते हो कि मार्केट URL लेवल पर आया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे को सपोर्ट दिख रहे थे, मार्केट में सपोर्ट दिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारी एंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री बनी थी, देन हमने बॉटम में एंट्री भी कर ली पुट की भी, और मार्केट उसके बाद साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद भी कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉफिट हो गया, ठीक है।
यहाँ से भी अगर ये मूवमेंट है ना, तो लगभग 3,000 के आसपास का आराम से प्रॉफिट हो जाता था। दोबारा ट्रेड लेने का मेरे को नौबत नहीं आती, लेकिन मेरे को एक बार अगर लॉस हो जाता है तो मेरा रूल है, एक बार अगर मैं लॉस करता हूँ तो मैं दोबारा एंट्री करता हूँ, लेकिन अगर मैं बाई मिस्टेक 2 बार लॉस हो गए तो मैं तीसरा कोई ट्रेड नहीं करता हूँ। अब आइए मैं थोड़ा सा ना आपको चार्ट ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ों को पहले हटा देता हूँ, कोई चार्ट सबको नीट एंड क्लिक करता हूँ। देखो पहले थोड़ा सा मार्केट को समझने का आप लोग ट्राई किया करो कि मार्केट कह क्या रहा है। ठीक है, देखो मार्केट तो सबसे पहले ओपन हुआ, लगभग मान लो ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप ओपन हुआ है। गैप ओपन होने के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ट्रैप किया होगा मार्केट की, यहाँ पर सेल होगा। लेकिन देखो मार्केट फिर यहीं से क्या किया, मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट ने इस कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, नीचे भी लो ब्रेक कर दिया, ऊपर भी हाई ब्रेक कर दिया। बहुत सारे लोग पहले कैंडल का देखते हैं कि अगर लो ब्रेक हो रहा है तो वो सेल करते हैं, हाई ब्रेक हो रहा है बाय कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग सेल करेंगे उसको भी लॉसेज होगा, यहाँ पर जो लोग बाई करेंगे उसको भी लॉसेज होगा। ठीक है, फिर मार्केट वहीं से गिर गया और आज का भी लो ब्रेक कर दिया, सबको लो ब्रेक कर दिया, कल का भी मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, दिन मार्केट में क्या हुआ, फिर मार्केट शॉर्ट हो गई। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा आपके हिसाब से चले, आप देखा करो कि मार्केट में मेजर सपोर्ट्स कहाँ हैं, मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ से मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है, कहाँ से मार्केट प्राइस नीचे जा रहा है। अगर पीछे की मैं बात करूँ ना, तो पीछे आप देख सकते हो कि ये जो जोन एरिया है ना, ये जो जोन एरिया पर मार्केट में अच्छे खासे रिस्पांस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से मार्केट देख सकते हो कि मार्केट बहुत बढ़िया ऊपर तक गया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा और यही जोन पर हमने भी काम किया। इस सारे जोन सारे लेवल्स निकालना जो लोग भी MT4 2.0 करके रखें उनको मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।